नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए लेके आया हूं 120 दिनों का बेस्ट स्ट्रेटजी यूपीएससी ईपीएफओ 2020 के लिए। ईपीएफओ का जो परीक्षा है बहुत ही अब तो आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि ऐसे में जहां पे बाकी परीक्षाएं कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता कि होंगी नहीं होंगी कैसा क्या है, ये पेपर जो 4 अक्टूबर को आपको लगा हुआ है जिसके लिए आपके पास केवल 120 दिन से है, तो अब आपको सारी एनर्जी झोंक देनी होगी कि एटलीस्ट एक परीक्षा जिसमें जो इतनी अच्छी परीक्षा है, जैसी बात है कि जो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में आशीष सर ने बताया भी, आप वहां पे देख सकते हैं, चल भी पड़ा है पूरी जॉब प्रोफाइल, उसका पूरा सैलरी वैल्यू, तो इसके बारे में क्या है परीक्षा कैसे है वो तो सब कुछ वहां से पता चल जाएगा, मुझसे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अगर परीक्षा इतनी अच्छी है, अगर इतनी अच्छी पोस्ट है तो निकाला कैसे जाए, वो भी 120 दिन में जब आप समय अपना गवा चुके हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि गवा चुके हो, कुछ ना कुछ आप पढ़ते आ रहे हो, जनवरी में फॉर्म आया था, 4 महीने आपने तैयारी किया है और अब हम उस तैयारी को किस मोड़ दे, अंतिम कैसा रूप दे कि यहां पे हम 120 दिनों में अपनी तैयारी, अपना एक सिलेक्शन, अपने लिए एक पोस्ट निश्चित कर पाए, कितने में से 421 पोस्ट में से। तो आप सभी लोग जान रहे हो कि ये जो टोटल है वो 421 पोस्ट आपका ईपीएफओ में था, अब था क्या है भी 421 पोस्ट, कहीं जाना नहीं है, जितनी पोस्ट लेते आप चले जाओगे, एक बच्चा एक ही पोस्ट लेगा कम होता चला जाएगा, लेकिन हम समझेंगे कि 120 दिन में आखिर ऐसे हम किस तरीके से पढ़ लें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि अभी दो टाइप के बच्चे होंगे, जो पहले से पढ़ते आए होंगे, जो 4 महीने में कुछ पढ़ लिए होंगे, एक ऐसे भी होंगे जो एकदम पूरा समय गवाए होंगे, जो 4 महीने में कुछ नहीं किए होंगे। कोई बात नहीं, हमें 120 दिन में उनके लिए भी जो तैयारी करते आ रहे हैं और उनके लिए भी जो नहीं करते आ रहे हैं, हमारा मतलब है कि 120 दिन में कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, किस टॉपिक पे ज्यादा समय दिया जाए, किस टॉपिक को पहले पढ़ा जाए, ये सारी चीजें दिमाग में, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितना स्कोर सेफ हो सकता है जाना, कितना अटेम्प्ट सेफ हो सकता है, कितनी एक्यूरेसी मायने रखेगी, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पिछले साल का कट ऑफ क्या था, इस साल का कट ऑफ क्या है, किस टॉपिक से कितने नंबर पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, सारी चीजें यहां पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम जान लेते हैं कि यहां पे जो टोटल 9 टॉपिक है, यहां पे 9 टॉपिक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 9 टॉपिक है आपके पास, 9 टॉपिक का मैंने इसलिए क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका हूं। 120 क्वेश्चन टोटल होते हैं जो आपका 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होगा जो आपका 120 क्वेश्चन पूछेगा, ये 120 क्वेश्चन का टॉपिक डिवीजन है, जिसमें जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 15, करंट इवेंट 10-11। तो यहाँ पे अगर हम टॉपिक डिवीजन देखें तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है कि इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा, खासकर ऐसे बच्चे जो यूपी से बिलोंग करते हैं, है ना, या ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, उनके लिए इंग्लिश एक नाइटमेयर बन के आता है, उनके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर मैथ कमजोर है तो आप यहां पे नहीं कर सकते हो, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या कोई ऐसा बच्चा जो एसएससी वगैरह बैंक वगैरह की तैयारी कर रहा है जिसका ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और आपका इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए भी एक सेफ जोन, एक सेफ तरीका है कि कैसे वो सिलेक्शन ले सकता है, कैसे सिविल का बच्चा जिसका इंग्लिश और मैथ्स कमजोर है वो कैसे सिलेक्शन ले सकता है, और कैसे कॉमर्स का बच्चा जिसका इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग और सोशल सिक्योरिटी तो अच्छा है लेकिन वो जब जीएस की बात आती है तब वो अपने आप को बहुत पिछड़ा महसूस करता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी लोग एक ही तराजू पे हो, वो बात मैं अभी समझाऊंगा कि कैसे एक ही तराजू पे हो, अभी इस बात को समझ लेते हैं कि हर टॉपिक पे कैसे नेचर है उसके पूछने का, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपका पेपर करा रहा है वो कौन करा रहा है, यूपीएससी करा रहा है ना, पेपर आपका यूपीएससी करा रहा है और यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका ही कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आप जहां अन्य परीक्षाएं, खासकर वनडे परीक्षाएं होती हैं या सिविल में पीसीएस वगैरह की, स्टेट पीसीएस की परीक्षा होती है, अब चीजें फैक्ट पूछता है, लेकिन यूपीएससी आपके किसी भी पेपर में क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछता है, तो कॉन्सेप्चुअल नेचर होता है। देखिए, अब मैं यहाँ पे नेचर की बात कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, हमें कैसे करना है और हम किस तराजू पे हैं, ये बात भी हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक जनरल इंग्लिश से मैं बता देता हूँ, जनरल इंग्लिश में वोकैब बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वोकैब बेस में आपका क्या सिनोनिम्स ज्यादा रहे, सिनोनिम 3 क्वेश्चन, एंटोनिम ऐसे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम फ्रेजेस रहेगा, मुहावरे लोकोक्तियां, फिलर रहेंगे, फिलर में आपका फ्रेजल वर्ब रहेगा,
और आपका प्रेपोजिशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन होता है। तो क्वेश्चन का अगर नेचर देखा जाए तो इंग्लिश यूपीएससी की बहुत आसान होती है। क्यों आसान होती है? जहां पे अन्य वनडे एग्जाम में सिनोनिम पूछेगा तो वो वर्ड दे देगा, उसका चार ऑप्शन दे देगा, आपको पता लगाना रहेगा। वही पे यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि वो सेंटेंस दे देता है, सेंटेंस में बोलेगा कि सेंटेंस में इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है, इस वर्ड का आइडिया लग जाता है कि इसका मतलब ये होगा, तो ऑप्शन देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसके पूछने का तरीका ये होता है। तो कहने का मतलब वो पहली बात तो वो कैब पार्ट पूछ रहा है जो आपको पढ़ना आसान है। भाई ग्रामर पोर्शन जब आप पूछता तब दिक्कत होती है अंग्रेजी में, वो कैब पार्ट में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पेपर भी पढ़ रहे हो या थोड़ा बहुत किसी भी परीक्षा की तैयारी की हो, जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो आपका वो कैब पार्ट थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है तो और आसान हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन में आप 15-15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, दूसरे पोर्शन में हमारा क्या आता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जाहिर सी बात है, नहीं भूलना चाहिए, यूपीएससी है। और यूपीएससी अपने सभी पेपर में, सारे एग्जाम में, जब भी वो जीएस के क्वेश्चन पूछता है तो कॉन्सेप्चुअल पूछता है, बहुत ज्यादा फैक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है यूपीएससी। तो अगर आपको, खासकर मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, कब का पार्ट है, 1857 का पार्ट है, तो इसके जो पूछने का तरीका है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, कि जैसे होता है कि कौन सी सभा किसने खोजा, कब खोजा, या कौन सा पेपर किसने किया था, उसका इम्पैक्ट क्या था, या जैसे कोई वायसराय थे तो उनका नीतियां क्या थी, या उनके जो नीतियां थी उनका इम्पैक्ट क्या था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है हमारा इसमें मॉडर्न इंडिया में, या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो। खासकर 1857 के बाद पूरा, उससे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी है, जो बोल देता है वो करता है। अगर बोल दिया कि केवल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पूछेगा तो इतिहास में सब लोग मानते हैं 1857 से हमारा स्वतंत्रता के लिए बात होने लगी थी, तो 1857 के बाद ही पूछेगा। इसमें गांधी जी भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन इनसे भी कॉन्सेप्चुअली पूछेगा, ये नहीं कि गांधी जी अफ्रीका से लौट के कब आए, गांधी जी ने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं। गांधी जी के इंपैक्ट के बारे में पूछेगा, कि अगर गांधी जी की सोच क्या थी, या वो जो करते थे उसके पीछे से क्वेश्चन पूछता है। तीसरा, अगर हम टॉपिक आए, तीसरे टॉपिक की बात करें, तो तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो करंट है। करंट यूपीएससी हमेशा अच्छा पूछता है, कूट में पूछता है, तीन चार स्टेटमेंट दे देगा, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, डीप एनालिसिस पूछेगा। करंट आपका अच्छे से मैगजीन, जो क्रॉनिकल वगैरह मैगजीन होती है, वहां से आप तैयार करो, ज्यादा अच्छा होगा। करंट आप सभी लोग जानते हो कैसा पूछता है, कॉन्सेप्चुअल पूछता है, थोड़ा डीप पे पूछेगा। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्चुअल फिर से बता रहा हूं पूछेगा। एम लक्ष्मीकांत वगैरह जो बुक फॉलो करते हैं वो जान जाएंगे, या जो भी पेपर ऊपर देते हैं यूपीएससी का सीरीज वगैरह, ये सब होता है, वो आराम से जान जाएंगे कैसा होता है। कॉन्सेप्ट फैक्चुअल पे नहीं जाएगा, बहुत होगा। और एक बात और है, पॉलिटी अगर आप कर रहे हो तो दो चीज, एक तो फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी, इन दो चीज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी, क्यों? क्योंकि जो इसका रिलेवेंस है ये सोशल सिक्योरिटी से भी है, तो ये टॉपिक अगर तैयार हो जाएगी तो सोशल सिक्योरिटी आधा तैयार हो जाएगी, ये बात समझिएगा। इसलिए इसमें दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 7-8 क्वेश्चन आता है इसमें, 4-5 क्वेश्चन आपका केवल डीपीएसपी और आपका किससे, फंडामेंटल राइट से होगा, बाकी से 4-5 क्वेश्चन आएगा। तो बुद्धिमानी किसमें है, सबसे पहले डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पढ़ लो, दो छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लो ताकि 4 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस आ जाए, बाकी तो आप कर लोगे ही। तो फिर जनरल अकाउंटिंग होता है, बहुत सारे बच्चे परेशान है जनरल अकाउंटिंग हम कहां से तैयार करें, घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल सा, जो 11th और 12th में कॉमर्स की जो बुक है, जो सीबीएसई बोर्ड में चलती है, एनसीईआरटी की बुक, ऐसा समझिए एनसीईआरटी के बुक से ही 11, 12th के ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, ऊपर ऊपर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है। ऐसा मत समझिए कि आपको उसके लिए बीकॉम करना पड़ेगा, एमकॉम करना पड़ेगा, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर से अगर थोड़ा सा भी आपको अकाउंटिंग आती है 11th 12th की, आप किताब उठा लो कॉमर्स वाली, उसी से सारा काम बन जाएगा। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ये पोर्शन थोड़ा डीप होता है, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए थोड़ा ये आसान पड़ जाता है, क्योंकि उनके मिस्टर की चीजें होती है, कुछ थ्योरीज वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे रॉबर्ट रॉक्सी की थ्योरी था, मार्क्स की थ्योरी होता, गांधी जी का जो व्यू था, वेब की जो थ्योरी थी, तो इनसे चीजें वो डायरेक्ट पूछ लेता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, या आईएलओ से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फैक्ट्री लॉ से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेबर लॉ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां पे थोड़ा सा डीप जाता है, लेकिन उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, जहां से आप बहुत अच्छे से अपना सिलेक्शन कर पाओ। देखिए मैं सारी बात बताऊंगा कि
कौन सा स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, कितना करना रहेगा, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी बातें क्लियर करूंगा। कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना कट ऑफ गया था, सारी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचर क्या होता है। जनरल साइंस में भी क्वेश्चन एवरेज आता है, बहुत टफ नहीं होता है, ये आसान पोर्शन है। कंप्यूटर का भी आसान पोर्शन है, ये सबसे आसान पोर्शन है। ये आपका 15 से 16 नंबर अगर इसे मिला लें तो ये आपका सबसे आसान टॉपिक है, ये फ्री का नंबर है समझिए। और जनरल मेंटल एबिलिटी सिंपल सा एप्टीट्यूड होता है इसमें, जैसा कि आपके बाकी एप्टीट्यूड एग्जाम होते हैं यूपीएससी, ऐसा समझ लें कि जैसा वो सीसैट में कराता है लगभग उसी लेवल का होता है। सोशल सिक्योरिटी मैंने बताया इंडियन पॉलिटी के समकक्ष है, इसमें कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे आपका लेबर लॉ की सिक्योरिटी या बाकी चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड भी चीजें होती हैं जो 7-8 क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा बेसिकली नेचर है। अगर हम आए नेक्स्ट पे तो ये मैं आपके लिए कट ऑफ की बात किया हूं कि जब 2017 में पेपर हुआ था तो कट ऑफ क्या गया था। इससे हमें एक झलक पता चलेगी, हमें यह पता चलेगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे हमें एग्जाम में टेम्परमेंट बनाना है, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से यहां पे कवर करके चलेंगे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो गई थी ये 49 नंबर गई थी रिटन टेस्ट में, है ना, जो आरटी आपका होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। समझिएगा, जब पिछली बार पेपर हुआ था तो 100 नंबर का आपका रिटन था और 100 नंबर का इंटरव्यू था, जो रेशियो था वो 50:50 का था, मतलब दोनों नंबर बराबर बराबर जुड़े थे, टोटल जो जुड़ा था 200 नंबर जुड़ा था, 100 नंबर इसका 100 नंबर इसका, तो 100 में से जिन्होंने भी 49.50 नंबर पाए थे वो सभी लोग कॉल के लिए गए थे। यहाँ पे करीबन 1,40,000 लोग पास हुए थे, अपीयर हुए थे एग्जाम में, 1,40,000 लोग अपीयर हुए थे एग्जाम में। 200 समथिंग पोस्ट था पिछली बार, इस बार तो 421 पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार 3.5-4 लाख ही फॉर्म पड़े थे, इस बार करीबन 9.5-9.8 लाख फॉर्म पड़े, 10 लाख बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे फॉर्म कम पड़े थे, वैकेंसी कम थी, तो यहां पे भी फॉर्म ज्यादा पड़े हैं अगर वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है तो। खैर वो सारा इंपैक्ट मैं बताऊंगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अभी देख लेते हैं कि जब हमारे करीबन 1.5 लाख लोग यहाँ पे अपीयर हुए थे तब 49.50 आपका कट ऑफ गया था, सीधा बोले 50% गया था, और 50 नंबर ही आपका इंटरव्यू गया था। और अगर हम टोटल की बात करें तो 110 नंबर जो बच्चा पा गया था, मिनिमम जो सेलेक्ट हुआ था बच्चा वो 110.83 नंबर पाया था जिसका सिलेक्शन हो गया था, और जो टॉपर था वो 132.78 नंबर पाया था। तो समझिएगा टॉपर और मिनिमम में कितना 22 नंबर का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात को भी समझिएगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अगर आप 55% पा गए होते 2017 में तो आपका सिलेक्शन हो जाता, और 66% पे बच्चा टॉप कर गया था। तो मैं ये बात पहले भी बोला हूं कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो टॉपर होता है वो 70-75% ही होता है। कोई भी अच्छी परीक्षा होती है, मैं रेलवे ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल और ऐसे पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे वैकेंसी केवल 10 और 20 हो, जैसी बात है वहां पे कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। लेकिन ऐसे जो जनरल पेपर होते हैं वहां पे अगर 70-75% आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ले आते हो तो आप टॉप कर जाते हो, बात समझ में आ रहा है, और 68 से 70% वाले बच्चे सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, देखिए 66% यूपीएससी है तो 66% में बंदा टॉप कर गया था। अगर हम इस पूरे सीन को अगर हम 2020 के सीन से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो टोटल फॉर्म पड़े हैं वो 9,80,000 फॉर्म पड़े हैं लगभग, इसमें से आपका जो टोटल है वो 421 पोस्ट है। मोटे तौर पे देखा जाए तो 0.4% केवल 0.4% लोग ही सेलेक्ट होंगे, मतलब 99.6% तो बाहर ही होंगे। तो जाहिर सी बात है समझ सकते हो कि फाइट कितनी जबरदस्त यहाँ पे है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम कट ऑफ वगैरह की बात करें कितना जाएगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो जाहिर सी बात है जब पिछली बार 66% पे कर दिया था तो यूपीएससी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगी, अपना लेवल लगभग मेंटेन रहेगी, कॉम्पिटिशन का स्तर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो ये जो 66% है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 70% जाएगा, मतलब अगर आप 70-72% ले आते हो इस पेपर में तो आप टॉप मार दोगे। समझ में आ रही है मैं बात क्या कर रहा हूं? अगर आप 65% ले आते हो 66% तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितने नंबर लाने हैं आपको, 65 से 66% नंबर लाने हैं केवल। 65 से 66% मतलब क्या, 120 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, समझ लो 100 नंबर में कितना लाना है, 66 नंबर लाना है, या 120 क्वेश्चन में अगर आप 75 क्वेश्चन करके चले जाते हो सही सही,
कट पीट के अगर 75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को दिमाग में रख लो। तो सबसे बड़ी बात है ये 75 क्वेश्चन हम लाए तो कैसे करें, 120 में से 75 क्वेश्चन करें क्या? लेकिन उससे पहले समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इस बार जो रेशियो है वो 75-25 का है, मतलब जो 100 नंबर होगा उसे 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और जो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा उसे 25 में कन्वर्ट किया जाएगा और दोनों को मिला के 100 नंबर बनेगा। तो ये जनरल सी बात है, रेशियो कैसे करेंगे हमें बस ये समझना है। परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट लेके आना है, हमें 75 क्वेश्चन सही कैसे करना है उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर इसे फॉलो कर लिए तो निश्चित है हर वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा जो थोड़ी सी मेहनत कर लेगा अगर इस स्ट्रेटजी पे। तो समझिएगा मैं इसे तीन चीज में डिवाइड किया हूं। तीन चीज क्या है, ये तीन टाइप के स्टूडेंट हैं, तीन टाइप के स्टूडेंट हैं। एक आपके मैथ और इंग्लिश बैकग्राउंड वाले, ये सो कॉल्ड बोले जो एसएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे जो एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक को मैंने ऐसे में तोड़ा है जो सिविल सर्विसेज जैसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों को मैंने तोड़ा है। और तीसरा ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं और जनरली वो बैंक वगैरह या ऐसे कोई एग्जाम की इंश्योरेंस एग्जाम ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तीन कैटेगरी मैंने तोड़ा है, एसएससी जिनका बैकग्राउंड मैथ होता है, मैथ साइंस होता है, सिविल वाले जिनका बैकग्राउंड स्पेशली मैक्सिमम अगर देखा जाए स्टेट पीसीएस वालों, खासकर यूपी की बात किया जाए तो बीए बीएससी वाले होते हैं, ठीक है, इनका स्ट्रीम आर्ट होता है और इनका स्ट्रीम जो होता है कॉमर्स होता है। इसलिए मैंने तीन फोकस में किया है। जो फॉर्म भरने वाले बच्चे, जो 1,000,000 लोग फॉर्म भरे हैं उसमें देखा जाए तो 3,00,000 ही होंगे, लगभग 3,00,000 ही होंगे, लगभग 3,00,000 ही होंगे, ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा है जो सबके लिए इक्वली है। अब मैंने क्या किया है कि जो एसएससी वाले बच्चे हैं, भाई अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग होना ही चाहिए, और अगर मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं तो आप एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई, छोड़ दो फिर। अगर आपको, क्योंकि मेंस में आपको तो क्या, तो इंग्लिश पूछेगा तो मैथ पूछेगा, तो जाहिर सी बात है जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं उनका मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग होता है और ये दोनों मिला के आता है टोटल 35 क्वेश्चन। अगर आपको दिखना रहा हो तो मैं इसका कलर दूसरा चेंज कर लूं, ये टोटल कितना होता है 35 क्वेश्चन होता है मैथ और इंग्लिश, समझिएगा। और करंट को मैंने इन तीनों के बीच में रखा है, क्योंकि अगर एसएससी वाला बच्चा भी होगा, कोई यूपी ट्रिपल एससी वाला बच्चा होगा या कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा रेलवे वेलवे की, उसको करंट तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप सिविल के हो तो आपको करंट और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इवन अगर आप बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको करंट इशू तैयार करना पड़ेगा, और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का इसी में इंक्लूडेड है, ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और आप तो हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है। तो इसलिए मैंने 15 और 5 यानी 20 क्वेश्चन को कॉमन रखा है कि वो 20 क्वेश्चन आपको ये वाला बच्चा भी तैयार रखेगा, ये वाला बच्चा भी तैयार रखेगा, ये वाला बच्चा भी तैयार रखेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो 35 ये और 20 ये, 35 और 20 मिला लो तो टोटल कितना 55 क्वेश्चन इस बच्चे का है एसएससी वाले का। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से जो 55 क्वेश्चन है वो सेफ है एसएससी वाले बच्चों के लिए, ठीक ऐसे 54 क्वेश्चन 120 में से सेफ है किसके, सिविल के लिए। क्यों? क्योंकि जो सिविल का बच्चा होगा उसकी हिस्ट्री में, जाहिर सी बात है अगर आप सिविल की तैयारी कर लो भाई साहब तो आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी मॉडर्न इंडिया। अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, मॉडर्न इंडिया स्ट्रांग नहीं है, तो आप सिविल की तैयारी क्यों कर रहे हो? समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये आपका पोर्शन है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स बच्चे रटे होते हैं, आप भी रटे होते हो, नहीं रटे हो तो रट डालो यार। पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स ये आपका पोर्शन है और साइंस और टेक भी आपका ही पोर्शन है, क्योंकि ये पूरा जीएस होता है, जीएस के अलावा पढ़ते क्या हो आप लोग। तो सिविल वाले बच्चे होते हैं ऐसे, अगर हम 20 यहां पे मिला ले ये और 15 और 11 26 और 8 34 तो कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 54 क्वेश्चन जो है ये इनका सेफ है। ऐसे ही कॉमर्स वालों का देखा जाए तो क्योंकि ये इंडस्ट्री रिलेशन और ये लेवल ला वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो सेमेस्टर में पढ़ के आते हैं, अकाउंटिंग अगर वो किसी चीज में तैयारी कर रहे हैं या पढ़ के आए हैं तो अकाउंटिंग उनका ऑलरेडी तैयार होता है, प्लस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, तो 20 और 13 33 ये और 20 क्वेश्चन करंट का, मतलब 53 क्वेश्चन उनका भी सेफ होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होगे कि यहां पे जो तीन टाइप के स्टूडेंट हो भाई, इन्हीं
अगर इनके अलावा कोई कैटेगरी आपकी होगी तो कमेंट में जरूर बताना। मैंने जनरलाइज्ड में भी लगभग सबको ले लिया है कि या तो साइंस बैकग्राउंड वाले जो एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या सिविल वाले बच्चे जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होगे, या ऐसे बच्चे जो बैंक या इंश्योरेंस या और भी ऐसे कोई कॉमर्स रिलेटेड तैयारी कर रहे होगे। मेनली यही तीन टाइप के बच्चे स्टूडेंट होते हो जिनका अपना अपना नंबर मैंने सिक्योर कर दिया। अब समझिएगा मैंने क्या बोला कि आपको कितना लाना है, 75 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने हैं। 75 क्वेश्चन सही होने के लिए आपको लगभग 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी हो तो, हालांकि अगर आपका 90% एक्यूरेसी है तो आप 80 क्वेश्चन भी कवर लेकर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी के पेपर में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करती है, तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करना कि 90% एक्यूरेसी के साथ आपको 80 से 85 क्वेश्चन करना होगा। बात समझ में आ गई? अब समझिएगा, तो जाके आप 75 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो हमें जनरली अटेम्प्ट 85 क्वेश्चन करना है, जिसमें से इस 85 सिलेक्शन लेने के कितना करना है, 85 करना है, जिसमें से अगर आप इस बैकग्राउंड से हो, किस एसएससी वाले बैकग्राउंड से हो, तो 55 क्वेश्चन आप 85 में से पा गए हो। आपको लाना कितना है, आपको लाना एक्स्ट्रा केवल 30 नंबर है। मैं ऐसे सारे बच्चों को बताऊंगा अभी, 30 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाना है 85 पहुंचने के लिए। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं ना, जनरली जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन, मतलब इन्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है लेकिन परिपक्व किसी में नहीं होते हैं। अगर बोला जाए कि किसी में एकदम ये बहुत ज्यादा आता हो इन्हें, तो फुल नॉलेज नहीं है लेकिन आएगा सब। ये थोड़ा बहुत जीएस भी नहीं आएगा, करंट भी इनका अच्छा होगा, अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पता नहीं कहां से पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा थोड़ा ये सब कर लेंगे। ये हर जगह कूदे रहते हैं, ये बात समझ में आता है। जो बच्चे वो भी जानते हैं, जो नहीं वो भी जानते हैं। मैं पहले सिविल वाले की बात कर रहा हूं। अगर आप सिविल से बिलोंग कर रहे हो तो आपका 54 क्वेश्चन तो स्ट्रांग है। अब आपको लगभग कितना, 30 से 31 क्वेश्चन करना है। तो जब आप इतना पढ़ सकते हो सकता है कि अगर आप यूपी जैसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो जहां पे आपकी इंग्लिश कमजोर है, साथ साथ मैथ कमजोर है, ना इंग्लिश में आप सेफ महसूस कर रहे हो ना मैथ में सहज महसूस कर रहे हो, तो कोई बात नहीं भैया, हमें करना कितना 30 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना, ये पढ़ डालो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक किताब आती है उससे पढ़ो। मैं बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा, और सबसे अच्छा सोर्स तो मैं बताऊंगा परीक्षा प्लस का ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरी किताब हम लोग बनाए हैं, पूरी किताब उसमें नोट्स बनाया गया है बहुत अच्छे से, सारे डिस्कस करेंगे कहां से आप किससे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कौन सा पैराग्राफ पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आएगा। पिछली बार भी अगर उठा लेके देख लो तो उसी नोट से सारे क्वेश्चन है, और इस बार भी उसी से ही आना है, ये बात भी क्लियर है। तो मैं बताऊंगा कि कहां से करना है। अब ये सिविल वाले बच्चे अगर यहां से उठा ले, इनका कितना, ये 20 क्वेश्चन ये और 13 क्वेश्चन कवर कर ले, तो 33 क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, और 33 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने हो गए, 87 क्वेश्चन। बताओ भाई सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, सिलेक्शन हो गया ना। 54 क्वेश्चन तो आपका स्ट्रांग था और आपने यहां से 30 क्वेश्चन इसका स्ट्रांग कर लिया। अगर आप इंग्लिश और मैथ छुओ भी नहीं, और एक बात और समझना, कोई भी एग्जाम होता है, मैं बता दूं एग्जाम कोई भी हो, हमेशा 30 से 35% जो होता है वो इजी होता है, ठीक ऐसे 30 से 35% जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। इवन ये 35 से 40% बोल रहे हैं, 35 से 40% क्या होता है, हमारा इजी होता है, 30 से 35% मॉडरेट होता है, और बाकी जो बच रहा है करीबन 25 से 30% मान के चलिए, 25 से 30% जो होता है हमारा क्या होता है, टफ होता है। तो हमें अगर सिलेक्शन लेना, हमें इससे मतलब नहीं होता है, हमें इजी वाले पे ध्यान देना है, सिलेक्शन लेना है भैया, फिर इंटरव्यू में देखा जाएगा, थोड़ी बहुत टाइम भी मिलेगा, नॉलेज भी कर लेंगे। अभी आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको यहाँ पे महारत हासिल करने की जरूरत नहीं कि सारे के सारे ना तो कोई अटेम्प्ट कर पाया है और ना ही आप कर पाओगे। अगर आप, मैं कह रहा हूं 120 में से 120 ले आओगे भैया, 481 पोस्ट है, मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा, 481 पोस्ट है, आप टॉप मार जाओ, आप 120 में से 120 क्वेश्चन सही कर दो, ठीक है ना, और एक बच्चा केवल 90 क्वेश्चन सही कर दे, मैं कह रहा हूं 90 नहीं, मैं कह रहा हूं 85 क्वेश्चन सही कर दे, तो इसे भी वही पोस्ट मिलेगी और आपको भी वही पोस्ट मिलेगी, अलग से आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है, या कोई भी जो 120 में 120 लाते हैं उसे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, सिलेक्शन दोनों का वही होगा, सेम पोस्ट मिलेगा, सेम सैलरी मिलेगी। ये हो सकता है जगह थोड़ा बहुत बदल जाए, तो वो अपने काम के फिर जगह बदलवा लोगे बाद में भी, मैंने यहाँ पे नौकरी लेना। तो जाहिर सी बात है आपको समझदार बनना है, आपको यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है ना, 85 पे फोकस करना है, 120 पे नहीं, ये टफ हो जाएगा, नोबेल प्राइज यहाँ पे नहीं जीतनी है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको 85 रखना है तो भैया आप यही से फोकस कर लो ना, 85 मतलब कितना, 70% ही ना, तो 70% यहाँ पे कवर हो गया, 40 और 35 कितना, 75%, 35 और 30 65%, 70% लगभग यही दोनों मिल रहा है, तो आपको ये पढ़ने की क्या जरूरत है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें स्किप करना होता है। तो हम अगर अच्छी रणनीति लेके चलेंगे एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है हम अच्छा करके आएंगे। आप समझिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूं,
यहाँ पे हमारे ये पोर्शन कॉमर्स वाले बच्चे बच्चे हैं, है ना, बोलेंगे कि सर अभी हमें कॉमर्स वाले के लिए कुछ नहीं बताए हैं। तो समझिएगा जो ये बैंक वाले बच्चे हैं इनका 53 क्वेश्चन तो कवर है ही है, प्लस अगर आप कॉमर्स और बैंक की तैयारी करो तो जाहिर सी बात है भैया आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि बैंक कोई भी ऐसा बैंक का पेपर नहीं जिसमें इंग्लिश ना पूछे, कोई भी ऐसा इंश्योरेंस का पेपर नहीं है जिसमें इंग्लिश ना पूछे, कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई नहीं। इवन आप ट्वेल्थ में भी इंग्लिश और मैथ लिए होते हो तो मैथ से भी सहज होते हो और इंग्लिश से भी सहज होते हो आप, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे इनका जो 35 क्वेश्चन है अपनी झोली में इनका 35 जोड़ सकते हो और आप भी 88 क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। और बताओ भाई सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? सिलेक्शन लेने के लिए कितना क्वेश्चन करना था? 85। आप कितना करके आए हो? 88, 90% एक्यूरेसी के साथ। आप भी 72-75 क्वेश्चन कर लिए, अभी 72-75 कर लिए, हो गया ना सिलेक्शन? 421 में से एक पोस्ट आपका बन गया ना, बस चलिए खुश रहिए, नौकरी लीजिए, इंटरव्यू में मिला जाएगा, है ना। और अब तो और अच्छी बात है, इंटरव्यू में केवल 25% वेटेज है, 75% तो रिटेन का है, तो रिटेन में अगर आप थोड़ा यहां से बढ़त हासिल किए हो, बढ़त कैसे हासिल करोगे? ये दो पोर्शन से आपका सिलेक्शन हो गया, इस पोर्शन से ज्यादा निकाल लो आपका वो हो जाएगा, इन दो पोर्शन से आपका सिलेक्शन हो गया, इस पोर्शन से थोड़े क्वेश्चन निकाल ले जाओ, आपको बढ़त मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ये जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन वाले बच्चे, ये भी इनका तो 55 क्वेश्चन है ही है, ये यहां से भी 10-15 क्वेश्चन निकाल लेंगे, ये यहां से भी 10-15 क्वेश्चन, ये साइंस टेक है ना, साइंस जनरल साइंस और उनकी टेक्नोलॉजी, ये यहां से 11 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। पॉलिटिकल केवल मैंने क्या बोला, आपको क्या पढ़ना है, जो आप इस बैकग्राउंड वाले हो, समझिएगा मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ स्पेशल टॉपिक जो आसान टॉपिक जो पढ़ लोगे पक्का आप सही करके आओगे। अगर मैं इससे बात करता हूं, थोड़ा सा यहां पे मैं लेंदी ले जाऊंगा, इसमें बात करता हूं, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप वोकैब्स रट डालो, किसका? CBS के पेपर का, पिछले में जो CDS पेपर जो पूछा गया है सारे वोकैब्स रट डालो। अगर आप CDS और SSC में पूछे गए सारे पेपर का वोकैब्स पढ़ लेते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस, केवल चार टॉपिक पढ़ लो, ना फिलर करो ना कुछ करो, ये चार टॉपिक केवल पढ़ के चले जाओगे तो आप 20 में से 12-13 क्वेश्चन करके आओगे, चाहे जिस बैकग्राउंड के हो। अगर आप ऐसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में केवल गांधी जी पे फोकस्ड सारी चीजें पढ़ लोगे, सारी चीजें गांधी जी पे फोकस, या ऐसे बोलो कि 1915 से लेके और 1942 तक मान के चलो, इतना अगर आप केवल पढ़ लिए हो ना, 1857 उधर की बात पढ़ो, या इस डेट के बीच की बात अच्छे से रटी हुई है, तो इस 15 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन आप करके आओगे। अगर आप करंट इवेंट में, करंट तो भाई सिंपल सी बात है, क्रॉनिकल वगैरह कोई भी मैगजीन होती है एक बार रट लो, वही काम बन जाता है। इंडियन पॉलिटी में केवल आप DPSP और आपका फंडामेंटल राइट, ये दो टॉपिक पढ़ के चले जाओगे तो भी 7-8 में से 4-5 क्वेश्चन कर लोगे। जनरल अकाउंटिंग में आप बेसिक केवल NCERT पढ़ लो 11-12 की, तो भी 13-14 में से आप 8-10 क्वेश्चन करके आओगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल ला में जो नोट्स दिया जाएगा परीक्षा प्लस का, केवल आप उसे मल्टीपल टाइम पढ़ लो, उसी से ही आप अगर आप उसे पढ़ लें तो 12-13 में से 10+ क्वेश्चन करके आओगे, इतना जबरदस्त नोट है, इस बात को आप समझिएगा। जनरल साइंस में जितना आप पढ़ के उसे रिवाइज करके चले जाओगे तो भी कर लोगे। मेंटल एबिलिटी में केवल कितना पोर्शन मैं बता दूं, आप 2D और 3D कर लो। ज्योमेट्री पोर्शन में, ज्योमेट्री नहीं, मेंसुरेशन की बात करूं, मेंसुरेशन पढ़ लो, दो डायमेंशन और तीन डायमेंशन की, एरिया और पैरामीटर और वॉल्यूम वाला, आयतन वाला चैप्टर पढ़ लो। यहां से आप परसेंटेज पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, डिस्काउंट पढ़ लो और एक नंबर सिस्टम पढ़ लो, एक टॉपिक और पढ़ लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस। अगर इतने टॉपिक केवल पढ़ लोगे तो 15 में से कम से कम 12+ क्वेश्चन करके आओगे, इस बात का भी दावा है। और ये सारे चैप्टर, ये सारे क्लासेस में करवा रखा हूं, आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे मिल जाएगा, 10+ कोर्स के अंतर्गत सारे क्लासेस में करवा दिया हूं, सारी सीट भी मिल जाएगा, तो आप यहां से कवर केवल उतना पढ़ लोगे, केवल वो वीडियो देख के चले जाओ, प्रैक्टिस कर लो, तो आपका 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। ये मैथ की बात बोल रहा हूं। अब आपका सोशल सिक्योरिटी, तो मैंने बोला सोशल सिक्योरिटी और कुछ नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अलग है टॉपिक, वो पढ़ लोगे तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा था कि जो ये पोर्शन है ना, आप यहां से 88-87 नंबर ले आए हो, अब आपको जो बढ़त हासिल करनी है वो यहां के इजी वाले पोर्शन, अगर आप ये दोनों तैयार कर लो तो यहां वाला इजी कर लो, ये दोनों तैयार कर लो तो यहां वाला इजी उठा लो, ये दोनों तैयार कर लो तो यहां वाला इजी उठा लो, ऐसे ऐसे इजी उठा के आपके जो अटेम्प्ट होंगे वो 90+ पार कर जाएंगे। और अगर आपकी 80% भी एक्यूरेसी हो जाएगी तो भी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, निश्चित सिलेक्शन लेके आओगे। तो बात समझ में आ गई, आपको स्मार्ट तरीके से करना है यार, आपको बहुत ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना है कि नहीं ये भी पढ़ लो, पियर्सन के साथ 100 पेज की किताब आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वही पढ़ डालो, मतलब नहीं भाई, 4 महीने आपके पास 120 दिन है। अच्छा देखो मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूं, 120 दिन में पहला जो मंथ होना चाहिए, फर्स्ट मंथ जो होना चाहिए, उसमें आप अपना ओन सब्जेक्ट पढ़ो। ओन सब्जेक्ट मतलब
जैसे अगर आप सिविल वाले बच्चे हो तो आप सिविल का पढ़ लो, सत्र तैयार कर लो। अगर आप अकाउंटिंग वाले हो तो आप अकाउंटिंग वाला पढ़ लो। अगर आप एसएससी बैंक वाले हो तो इंग्लिश और मैथ अच्छे से तैयार कर लो। दूसरे मंथ में जहां से आपको एक्स्ट्रा नंबर खींचना है, जैसे सिविल वाला बच्चा एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए ये पढ़ेगा, मैं ये वाला बच्चा ये पढ़ेगा और ये वाला बच्चा दोनों पढ़ेगा, तो सेकेंड मंथ में आप वो टॉपिक पढ़ो जहां पे नंबर आपको इंक्रीज करने हैं, है ना। और तीसरे मंथ में आपको क्या पढ़ना है, तीसरे मंथ में आपको पढ़ना इन दोनों का साथ साथ रिवीजन प्लस जो इजी पोर्शन रेस्ट टॉपिक का है वो कवर करते चलना है। अगर आप ये तीन मंथ कर लिए और फोर्थ मंथ में आप फिर से सारा रिवाइज कर लिए, ये तीनों चीज, पहले मंथ में आप अपना सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरे मंथ में दूसरे पोर्शन पे जाओ लेकिन इसे रिवाइज करते जाओ, तीसरे मंथ पे तीसरे पोर्शन पे जाओ लेकिन इन दोनों को रिवाइज करते जाओ, और चौथे मंथ में इन तीनों को रिवाइज कर डालोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक बात जो आपके साथ सबसे गलत होती है, आप मल्टीपल सोर्स पे मत जाओ। आप ऐसा ना भटक जाते हो कि ये भी किताब पढ़ ली, ये भी किताब पढ़ ली, किताब सारी अच्छी होती है, बुक सारी अच्छी होती है, नोट सारे अच्छे होते हैं, किस कोई 19 तो कोई 20, ऐसा समझिएगा, है ना। तो ये 19-20 के चक्कर में आप बहुत ज्यादा भटको मत। एक चीज उठाओ, उसे 10 बार पढ़ो। कोई चीज अगर आप 10 बार पढ़ ले रहे हो, 5 बार पढ़ ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। आप 10 अलग अलग चीजें पढ़ो उसके अपेक्षा। तो जो भी रिसोर्स उठाओ, रिसोर्स में तो यही बोलूंगा परीक्षा प्लस का रिसोर्स है, मैं अभी सारी बात डिस्कस करूंगा कि क्या रिसोर्स करो, तो आप वहां से कर लोगे। प्लस सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टेस्ट सीरीज। यकीन मानिए आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेन चीज है टेस्ट सीरीज। आज के समय में जो कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे 20-20 25-25 मॉक दे देते हैं, 100-100 मॉक दे देते हैं, बात समझ में आ रही है। तो आप 10-15 टेस्ट तो कम से कम करके जाओ ही जाओ, बिना टेस्ट सीरीज के पेपर देने ना जाना वो ठीक है, लेकिन बिना टेस्ट सीरीज के पेपर देने मत जाना। एकदम फ्री एडवाइस है भैया, कंफर्म बता रहा हूँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। इतना कोई 30 मार्क का कोई नहीं होता, मैं सबको जानता हूँ, 10 साल से यही कर रहे हैं, ठीक है ना। खुद पहले तैयारी की, उसके बाद तैयारी करवा रहे हैं, ना टेस्ट सीरीज से हमारा कुछ हो पाया था, और जब समझ में आया तभी हुआ, और जब यहाँ पे बच्चों को समझा रहे हैं उनका भी कुछ नहीं होता। तो बात समझ में आना चाहिए आपको कि टेस्ट सीरीज ही वन ऑफ द मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट सीरीज के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सारी चीजें जो स्ट्रेटेजी थी, मेरे ख्याल से आपको दिमाग में अच्छे से आ गई होंगी। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता था, लेकिन आप बेस्ट हो, थोड़ा लंबा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी चीज करो जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए यार। अगर 10 मिनट थोड़ा वेस्ट हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप मेरी वाहवाही करोगे, और आपका तो भविष्य अच्छा हो गई, आपके परिवार वाले खुश हो गई, मिठाई मुझे भी खिलाओगे, मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा, क्या बुरा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें, अभी ये सब चीज ठीक है, आप कर लोगे, 85 क्वेश्चन ले आओगे, लेकिन लाओगे कहां। उसके लिए परीक्षा प्लस बहुत अच्छा प्लान लेके आई है। 599 रुपए में केवल आपका, आपको 10 टेस्ट दिया जा रहा है, ये पूरा लिखा हुआ है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत ही अच्छा क्वालिटेटिव टेस्ट है। परीक्षा प्लस का रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ जो टेस्ट उतारती है, जो बच्चे जुड़े होंगे वो जानते होंगे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो बच्चों से फीडबैक ले सकते हो, बहुत अच्छा ही कंटेंट होता है, बहुत ही क्वालिटेटिव होता है, एकदम ऐसा मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है इसमें। और सभी इन सारे ऑन टेस्ट ऑनलाइन होंगे, ऐप के माध्यम से दे सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो आप, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। परीक्षा प्लस में स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, गूगल प्ले पे सर्च मारेंगे तो आ जाएगा पहला, या live.parikshaplus.org पे भी चले जाइए, live.pariksha, ये यहां पे लिंक दी हुई है, live.parikshaplus.org, यहां से भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं, उन सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी व्याख्यात्मक हल के साथ, है ना। क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगा। सभी विषयों के गुणवत्तापूर्ण बुकलेट नोट्स क्या है, मैं आपको दिखा दूं, ये सारे स्पेशली ईपीएफओ के लिए नोट्स बनाए गए हैं, बुक बनाई गई है। जैसे ये जनरल इंग्लिश की बुक है, मैं दिखा दे रहा हूं, ये जनरल इंग्लिश की बुक है, इसमें सारे आपके जो वोकैब्स हैं बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। ये आपका सामान्य लेखांकन सिद्धांत है, जनरल अकाउंटिंग है आपका, बहुत अच्छे से इसमें एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है, सारी चीजें मुश्किल से 50-60 पेज का है, इसमें सारी वो बिंदु कवर कर दी गई है जहां से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सामान्य मानसिक योग्यता और संख्यात्मक अभियोगिता, ये आपकी जो जनरल मेंटल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सिंपल बोले मैथ्स है, ये मैथ्स का आपका नोट्स है, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं, और जो क्वेश्चन बन सकता है खास कर ईपीएफओ के लिए डिजाइन किया गया है वो सारी चीज इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था एक में रख दिया गया है, क्वालिटी है आपका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया गया है, सारी चीजें आपका उसी में, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला है, इस बात की तो गारंटी है।
औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसे केवल दो बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो एक बार रिवाइज कर लो, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाए तो बोलना। पियर्सन जैसी किताबें हैं या टीएमएस जैसी किताबें हैं, जो आपके बेसिक ऐसा बोले कि आपके जो कोर्स है उन सबसे इनफिट करके बहुत सारी किताबों को मिक्स करके मिलाया गया है। बहुत ही अच्छा नोट्स है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज यहां पे कवर की गई है। तो आपके 9 टॉपिक है प्लस करंट के लिए आप क्रॉनिकल जैसी मैगजीन, यहां पे तो क्वेश्चन वगैरह आपको दिया ही जाएगा, प्लस क्रॉनिकल जैसी मैगजीन को फॉलो करिए यूपीएससी से, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। या आपकी जो भी सोच जो आप फॉलो करते हैं वो फॉलो कर लो। देखिए ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही खरीदो, मेन है आपकी स्ट्रेटजी, जो मैं बताया हूँ बहुत बेस्ट है, आप कहीं से भी पढ़ लो, नो डाउट। अब ये है, मैं कंटिन्यूसली बताता हूँ, और जो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में इससे सस्ता और इससे अच्छा ना तो कोई टेस्ट दे पाया है ना दे पाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। जो बच्चे लेते हैं वो सारे फीडबैक आप उनसे ले सकते हो, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, बहुत ही क्वालिटेटिव होती है। खैर यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आप 599 रुपए करो, आप एक किताब खरीद रहे हो तो भी 700-800 रुपए की किताब आ जाएगी, ये बात भी आप समझ लो। 599 में आपको 9 किताबें मिल रही है, आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इसके साथ आपको 1000+ पॉलिटी के एमसीक्यू मिलेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इसके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, 500 फ्रीडम स्ट्रगल के स्पेशली एमसीक्यू मिलेंगे, इसकी पीडीएफ मिलेगी, और एक्सपर्ट द्वारा पर्सनल गाइडेंस एवं समस्या समाधान भी इसी में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपका क्रैश कोर्स पर टेस्ट सीरीज है, 120 दिन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट है। आप इसे अगर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये नोट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, सब इसी में इंक्लूडेड है, 1000 जो पीडीएफ है। तो मान के चलो कि 4 महीने में अगर आप इतना कवर कर लो, प्लस आपको डेली टाइम टेबल की सबसे करवाया जाएगा, आज आपको ये कवर करना है आपको ये कवर करना है, तो जाहिर सी बात है 4 महीने में जो आपकी तैयारी होने वाली है फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और ये बहुत जरूरी है, आप कुछ भी कर रहे हो कहीं भी दिमाग लगाए हो आप हर जगह से दिमाग हटा लो, क्योंकि ये जो समय है रिजल्ट मिलता रहेगा, सारी चीजें मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेंगी, बहुत ही मजा आएगा आपको भी, हमें भी अच्छा लगेगा आपकी सेवा करने में। सारी चीजें मैक्सिमम लोग तो निःशुल्क ही रखते हैं, प्लस आपको कोई भी दिक्कत हो तो जो नीचे आपके उम्मीदों पे ये खड़ी उतरेगी, अगर आप इस पे कर लिए तो निश्चित सिलेक्शन आपका होगा ही। चलिए फिर मिलते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।